हमारे गर्मा गर्म अलहच और ओलू रेडी है। ये देखिए, तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कश्मीरी अलहच ओलू। नमस्कार चुसाइल में, आज मैं आपको अलहच और ओलू की सब्ज़ी बताऊंगी। अलहच मतलब सूखी लौकी। ये देखिए, इसको मैंने काट लिया था, फिर से धूप में हमने सुखा दिया था, तो इसको हम कश्मीरी में अलहच बोलते हैं। और ओलू यानी कि आलू, जो कि आप सब जानते हैं। अब इसके लिए मैं एक पहले पैन लूँगी जिसमें पानी गर्म करूँगी और उस पैन में मैं ये अलहच को बॉईल करूँगी जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने पैन ले लिया है जिसमें मैंने आधे गिलास के करीब पानी डाल दिया है। अब मैं इसका गैस का नॉब मैं ऑन कर देती हूँ और इसे मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। फिर हम इसमें ये अपने अलहच को डालेंगे। हमारा पानी गर्म हो गया है, ये देखिए हल्का हल्का ये पानी बॉईल भी होने लगा है। अब मैं इसमें अपने ये इन अलहच को डाल देती हूँ। और इसे हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक हमारी अलहच बॉईल होती हैं तब तक मैं कढ़ाई लूँगी जिसमें मैं आलूओं को तलूँगी। मैंने आलूओं को काट लिया है, मैंने आलू को छील लिया था और उन्हें धो लिया है और मैंने इस तरह से काट लिए हैं। ये देखिए, अब मैं कढ़ाई में तेल रखती हूँ और उसे मैं गर्म होने के लिए रखती हूँ, फिर उसमें मैं अपने आलू को तलूँगी। हमने कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने तेल डाल दिया है। मैंने तेल 2 कटोरी के करीब डाला है और मैं इसे गर्म होने के लिए रख दूँगी और इसमें मैं आलू को तलूँगी। जब तक हमारे आलू तल रहे हैं, हमने ये अलहच अपनी बॉईल होने के लिए रख दी थी। ये देखिए, और ये मैंने इसको धीमी आँच पर पकने के लिए रख दिया है। ये देखिए, ये पूरी सॉफ्ट हो जानी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, थोड़ी सी। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। हमारे आलू तल गए हैं, ये देखिए, मैंने इसे डीप फ्राई होने तक तला। अब हम एक बार अपने अलहच को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी अलहच पक चुकी हैं। मैं अब इसे बंद कर लेती हूँ और इसका पानी मैं ड्रेन कर लेती हूँ। मैंने जिसमें आलू तले थे उसमें से मैंने थोड़ा तेल निकाल दिया है और थोड़ा तेल मैंने बचा लिया है अपनी अलहच को तलने के लिए। मैं अब ये अलहच इसमें डाल देती हूँ तलने के लिए। हमारी अलहच तल गई है, ये देखिए, इसे भी मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ, ये देखिए छोटे चम्मच। साथ ही में तेज पत्ता, 2 लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और बड़ी इलायची का पाउडर, और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैंने लाल मिर्च के 1.5 चम्मच, सौंफ के 1.5 चम्मच, हल्दी आधा, सौंठ पाउडर 1/2 चम्मच, इनको भी मैं साथ में ही डाल देती हूँ और इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और साथ में थोड़ा पानी डाल देती हूँ कि मसाला जले। और मैं इसमें नमक डाल देती हूँ 1/2 चम्मच के करीब। ये देखिए कितना प्यारा कलर निकला है। और इसे हम तब तक मसालों को भूनेंगे जब तक ये थोड़े से अच्छे से इसका तेल बाहर ना आ जाए। इसमें अपने अलहच डाल देती हूँ जो मैंने तली थी।
ये देखिए, अब मैं इसमें आलू को डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ। और फ्लेम थोड़ा हाई रख देती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। हमारी अलहज और ओलू रेडी हैं, ये देखिए लग रहे हैं ना बहुत ही स्पाइसी, तो मैं इसे एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। हमारे गर्मा गर्म अलहज और ओलू रेडी हैं, ये देखिए। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कश्मीरी अलहज द ओलू।